कैप्टन शब्बे राती रिज्जू साइमंड्स के नाम खत। टीम के तमाम प्लेयर्स को इंसान का बच्चा बनाने की दरख्वास्त। देखें या तो वेने या तो लन है, लर्न की बात हो रही है, ठीक है ना। यस इज अ टू, यस इज अ टू, इसके आगे और कोई बात नहीं होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने उतारा है हमारे बॉलर्स का घमंड, वैसे घमंड नहीं था, मैं आपको बताऊं, देखें ये ज्यादती है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, लोग ये बोलेंगे कि यार ये हार गए हार गए। देखो मैं तुम्हें कहता हूं कि जो मैच 10 ओवर से कम का हो ना, उसको मैं मैच मानता ही नहीं हूं, वो शोगल मेला होता है। फिर ये T20 नहीं हुआ, ये T7 हुआ है, और T7 ये शोगल मेला होता है कि बस वे अब लोग आए हैं, टिकट के पैसे इनके हलाल करवा दो, ये लड़के जो हैं ये आए हैं सुबह से बैठे हैं, इनको कुछ खिलवा दो, नहीं तो ये कब जाना, वो बोलेंगे कि हमें मैच नहीं खिलवाया। ये बस ये था, ये मैच बारिश की नजर था। इस हार को मैं हार तस्लीम नहीं करता, मैं मानता ही नहीं हूं, आप मुझसे कर लो। रिजवान हारा ही नहीं है ये मैच, ये पाकिस्तान हारी नहीं है ये मैच, ये गलत बात है ना। मतलब एक तो हम लोग लड़कों को डेब्यू भी करवा रहे हैं, साहिबजादा फरहान है, इरफान नियाजी है, उनके ऊपर तुम 7-7 ओवर के मैच करवाओगे। उसके ऊपर से एक और चीज है, मैं आपको बताता हूं, उनके पास ऑस्ट्रेलिया में है 2-3 जानवर, ठीक है ना, वो एक ग्लेन मैक्सवेल है, स्टोइनिस है, और भी 2-3 है। इनका सीन ये है कि जितने कम ओवर उतने ज्यादा जानवर, ये इनका सीन है। अब तुम 7 ओवर में टोटल 42 बॉल हैं, उस पर वो 94 रन नहीं ठोकेंगे तो और क्या होगा, मुझे बताओ। उन्होंने तो दे मार 4.5 की ना, मैक्सवेल के शॉट देंगे तुमने, रिवर्स पे दे रहे, रिवर्स पे। अब वो नसीम उसकी टांग पकड़ रहा तो वो रिवर्स से टांग पे भी उठा रहा, तो ये गलत बात नहीं है, मुझे आप बताओ। तो ये लड़कों से ज्यादती हुई है, ये 7 ओवर का मैच मुझे नहीं। और ये इसमें भी ये भी है कि अब आपने 7 ओवर के मैच में, हम ये सोचे थे कि बाबर और रिजवान जो है वो कम बैक करेंगे, 7 ओवर में 42 रन 94 रन बनाने हैं 7 ओवर में 42 बॉलों पे, तो अब आप करो। तो अब बात वही है कि देखो इसमें ये है कि जितनी बॉलें बाबर आजम सेट होने में ले लेता, तुमने उतने का पूरा मैच रख दिया है। 42 बॉलों की पूरी इनिंग्स, वो कैसे करते रन, मुझे बताओ ना, गलत बात नहीं है। फिर मैंने एक और पोस्ट करी थी, मैंने कहा था आज आप रिजबर का नया रूप देखेंगे, तो काफी लोग मुझ पे हंसे, और मुझे आई एम ग्लैड कि वो लोग गलत साबित हुए हैं, और मैं आज फिर से एक दफा ठीक हो गया, क्योंकि आज हमें बाबर और रिजवान का नया रूप देखने को मिला है। आज ये दोनों जल्दी आउट हो गए, वे आउट ही तो हो गए ना, सही है ना, नहीं तो बॉले पीते तुम फिर भी गालियां देते, अब जल्दी आउट हो गए। बाबर ने देखो इनोवेशन, बाबर ने दिखाई इंटेंट, बाबर ने हेलीकॉप्टर मारने की कोशिश की, मैं तो बोलने लगा उसको एमएस आजम, बाबर आजम का नाम चेंज कर दिया मैंने, एमएस आजम बन गया बाबर आजम, बस खत्म बात भाई। फ्री फंड में नसीम को लपेट दिया पकड़ के। देखो 7 ओवर के मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम वैसे भी उनके पास फायर पावर, उनको आदत होती है इस तरह के छक्के वक्के मारने की, तुम्हारे पास नहीं है उस तरह के, वो कोई मसले की बात नहीं है। तो इतना कोई इसको इतनी कोई बड़ी चीज बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि यार तुम हार गए, ये हो गया वो हो गया, ये कोई ऐसा मैटर ही नहीं करती। अबे 7 ओवर का मैच कोई मैच होता है, मुझे बताओ। 7 ओवर का मैच जिसमें से आपका जो ओपनिंग के जो टॉप थ्री उसमें से एक रिजवान और एक बाबर है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गलत हुआ था। फिर उन्होंने देखो बैटिंग ऑर्डर चेंज करके मैक्सवेल को ऊपर भेज दिया, मैक्सवेल ने हमारा काम उतार दिया, हम इसमें क्या कर सकते हैं। मैक्सवेल तो देखो पगलाया हुआ था, मुझे लगा था हैरिस रोफ आउट कर देगा, लेकिन मैक्सवेल ने उसको भी लपेट दिया पकड़ के, तो मैक्सवेल तो अलग से आया हुआ था ना कि मैं तो रन करूंगा, और ऊपर से मैक्सवेल के लेवल का हमारे पास कोई बैट्समैन था भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मतलब रिवर्स कैसे, मतलब एक ही था, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया, जो थोड़ा इस मैच की उम्मीद दिला सकता था कि हाँ यार यही मारेगा, उसको तुमने निकाल दिया। मैं क्या बोल सकता हूँ, जो दूसरा था वो नो लुक वाला बच्चा, उसको भी तुम लोगों ने निकाल लिया कि चलो वही कुछ ना कुछ कर लेता। पहले ना तो खैर क्या, हारे वही तीस रन से। देखो मैं कहता हूँ पाकिस्तान ने 10-15 रन कम बनाए, ये पाकिस्तान रन और ज्यादा बना सकती थी, 15 रन ऊपर जा सकती थी। ये 80 रन की टीम है, ये 7 ओवर में 80 रन, इससे ज्यादा नहीं। अब बस करो, जान छोड़ो, क्या पागल हो गए, 7 ओवर में शादी में आएगा, हलवा भी खाएंगे, चाय भी पियेंगे, पान भी खाएंगे, सब करेंगे। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, देखिए रिजवान की कैप्टेंसी मैं बोल रहा हूँ, ये एक नया एरा शुरू हो चुका है कि महज 42 बॉलों की इनिंग्स थी, सिर्फ 42 बॉलों की इनिंग्स थी, उसमें भी रिजवान ने मैनेज किया कि सबको बैटिंग दिलवाई है उसने। तो ऐसा कैप्टन और क्या चाहिए तुम्हें रिजवान से, और क्या चाहिए, छोड़ दो, ठीक है, ये अभी हम लोगों ने लर्न किया, अगले मैच में विन कर देंगे, खैर हो गई, आज बहुत कुछ सीखा है, मैंने तो बहुत सीखा है। मैंने एक चीज सीखी कि 7 ओवर के मैच को मैच नहीं बोलते, 7 ओवर के मैच को शुगल मेला बोलते हैं। 5 ओवर का हो, 7 ओवर का हो, 8 ओवर का, उसको शुगल मेला बोलते हैं कि चलो एंजॉयमेंट करते हैं, चलो येण मचाते हैं, ये सीन है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि आपने सामने वाले को थोड़ा सा कुशन देना है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, हार गए तो कोई बात नहीं, ऐसा मसला नहीं है। और तीसरी चीज मैंने ये देखी है कि ऑस्ट्रेलिया के एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने कम ओवर उतने ज्यादा ये जानवर,
ये ऊपर से आ जाते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ा संभल संभला के देखनी पड़ेंगी। और फ्री फंड में नसीम शाह को कुटवा दिया, वो उस पर ना थोड़ा बुरा वक्त है। और इरफान नियाजी से भी रन नहीं हो रहे, ओडीआई में भी नहीं हुए, और अभी आज भी रन नहीं हुए। नियाजियों पर थोड़ा बुरा वक्त चल रहा है पाकिस्तान में, नियाजियों पर थोड़ा है इशू। एक और है, उनका नाम भी नियाजी है कुछ मिला मुलू के, तो उनके साथ भी थोड़ा बुरा हो रहा है। खैर, हम वहां डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये है, तो अब खैर हो गई, कोई ज्यादा फ्री फंड में ट्रोल वोल करने की जरूरत नहीं। रिजवान को कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं पहली बता रहा हूँ, और बाबर आजम को भी कुछ नहीं बोलेगा, मैं बता रहा हूँ। इंटेंट दिखाई उसने आज, एक्चुअली देखो, अब वो उससे छक्का नहीं लगा वो एक अलग चीज है, उससे शॉट नहीं लगी वो एक अलग चीज है, एटलीस्ट ही ट्राइड, एटलीस्ट ही ट्राइड। वो स्कूल में होता ना सर स्टेप्स के मार्क्स देने, तो मैंने स्टेप्स के मार्क्स दे दिए बाबर आजम को, आंसर भले गलत है लेकिन स्टेप्स के मार्क्स हैं। तो कोई फ्री फंड में जाना लड़कों को भी ट्रोल नहीं करेगा। अब 7 ओवर के मैच में तुम क्या ही उखाड़ लोगे, और ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो, यानी उनसे अपने लड़के मिलाओगे तो फिर जमीन आसमान का फर्क है। वही कम ओवर में, 7 ओवर में तुम्हें दे दिए 93 रन, पेल दिए तुम पे पकड़ के, तुमने 64 भी कर लिए, बहुत बड़ी बात है। मैं तो सोच रहा 30-40 का, या मैच शुरू होता ना, मैंने कहा दादा ये हो जाएगा, ये काम उतर जाएगा इनका। तो खैर, एनीवेज, एंजॉय करो यार, एंजॉय करो लाइफ, एंजॉय करो। क्रिकेट से बड़ा सोचो, क्रिकेट से बड़ा देखो, हारो या जीतो शुगर मेला लगे रहना चाहिए, शुगर मेला लगाओ, मौज मस्ती नहीं रुकने देना। बाकी अगले T20 के देखेंगे, अभी हमने बहुत लर्न किया है, और ये हमने डाल दिया दाना। सेम थिंग हैपेंड इन फर्स्ट ODI, दाना डाला था फिर 2 लगातार जीते थे। तो अभी दाना डाल दिया है, अगली T20 में जाल बिछ जाएगा, ठीक है। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि तुम्हें तो ऑस्ट्रेलिया ने पेल दिया, तुम्हें रगड़ दिया, तुम्हारी बारात लगाने के लिए BGT में उन्होंने नई पिचे बनाने शुरू कर दी है, जाके उनसे निपटो। तुम्हें 5 में से 4 जीतने तो तुम जाके जो है ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलोगे, तो तुम्हारे लग जाएंगे। अगर उन्होंने 2 भी जीत लिया ना तो तुम्हारे लग जाने, तो जाके तुम वहां उनको करो कि हमें ना ड्रॉ करना है ना हारना है, हमें जीतना है। बाकी हम तो जा रहे हैं हंसी मजाक करने, हमारा तो हार हमें फील होती नहीं, और जीत के हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो इट्स अ नॉर्मल डे फॉर अस इन द ऑफिस। बाकी खैर, अगले T20 में देखेंगे, अगले में पकड़ेंगे, अभी जाल बिछा दिया, अगले में देखेंगे, ठीक है ना। या तो विन है या तो लर्न है। यस, इट्स अ 2।